लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम बहक गए थे, तुम्हारे बदन पर सोनिया के नाखून के निशान है। इतनी इम्पोर्टेंट बात तुमने मुझसे छुपाई? हम केस हार चुके हैं राज, अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर राज, आपने झूठा केस किया था, ऐसा साबित हो चुका है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? No comments. आप पर जो मिसेज सोनिया पर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मिसेज मल्होत्रा, आप अपने पति की हरकत के बारे में? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कोर्ट अगले हफ्ते अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिस्टर राज और उनकी पत्नी ने मिसेज सोनिया और उनकी कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए केस किया था। उमेश कुमावत, स्टार न्यूज। प्रिया, प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया, मैं मानता हूं मैंने जो कुछ कोर्ट में कहा उससे तुम्हें दुख हुआ है। हाँ, दुख हुआ है। जो बात मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चला। तुमने मुझसे हर बात छिपाई राज। तुमने तो सिर्फ ये कहा था कि सोने ने तुम्हें सेक्सुअली हैरेस किया है। प्रिया, मैं वही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ये कि तुम मर्द हो, बहक गए थे? नहीं प्रिया, वो एक पल था जो आया और चला गया। मैंने कोर्ट में वही बताया जो मेरे साथ हुआ था। अगर चाहता तो मैं सब कुछ छुपा सकता था, चुपचाप रिजाइन कर देता और सोनिया पर यू केस भी नहीं करता। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो कुछ हुआ इंटेंशनली नहीं हुआ, उसके पीछे मेरा पास्ट था। 5 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका के MTN मोबाइल कंपनी में काम करता था। वहीं मेरी मुलाकात सोनिया से हुई और वहीं से हमारा अफेयर शुरू हुआ। हम दोनों की सोच, हम दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी। उसने अपने एम्बिशन को मेरे प्यार से बड़ा समझा और मेरे बच्चे को गिरा दिया और हम अलग हो गए। मुझे वहां घुटन सी महसूस होने लगी और मैं सब कुछ छोड़ के चला आया। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं सब कुछ भुला चुका था, मगर मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरा पास्ट यूं मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। साहब, बैंक मैनेजर साहब आए हैं। बुला लो। जी। हेलो राज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर बात बहुत इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैं आया हूं। मैं बैंकॉक में था, आज आया तो मुझे तुम्हारे केस के बारे में पता चला। राज, मेरे आंसरिंग मशीन में एक मैसेज है जिसमें तुम्हारी और सोनिया की आवाज है। यह मैसेज 21 जनवरी का है। तुम्हारी और सोनिया के बीच जो भी बातें हुई वो मेरे आंसरिंग मशीन में रिकॉर्ड हो गई। ये रही वो कैसे, सुन लो, शायद इससे तुम्हारे केस में कोई मदद मिल जाए। थैंक यू। ये बहुत बड़ा सबूत है, अब हम केस जीत जाएंगे। फॉरेंसिक लैब के साथ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, वो मैं पूरी कर लूंगा। यू डोंट वरी, गो होम एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। प्लीज बी सीटेड। सर, ये मिस्टर प्रिया मल्होत्रा का वकालतनामा। मिसेस प्रिया मल्होत्रा, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर।
योर ऑनर, जैसा कि इस अदालत को पता है कि मिस्टर राज मल्होत्रा के वकील मिस्टर राम चौटरानी एक एक्सीडेंट में इंजर हो गए, इसलिए इस केस को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिलॉर्ड, अब इस केस में बचा ही क्या है, बॉलिंग बैटिंग दोनों खत्म हो चुकी है, आज तो आप फाइनल स्कोर सुनाने वाले हैं, ये नए एम्पायर कहाँ से उतर रहे हैं? योर ऑनर, जो एविडेंस और फैक्ट्स मैं दिखाना चाहती हूँ वो आज से पहले इस कोर्ट के सामने नहीं आए। लेकिन मिस्टर पटेल, दूसरे पक्ष की पूरी बात सुने बिना फैसला करना अदालत की मर्यादा के बाहर है। लेट हर प्रोसीड, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले मिसेस सोनिया के हस्बैंड मिस्टर रंजीत रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। दुनिया जानती है, जब मैं 15 वर्ष का था तब इस शहर में आया था, और आज 55 वर्ष के बाद मैं 15,000 करोड़ का मालिक हूँ। आपने शादी भी बहुत लेट की, कुछ 50 साल की उम्र में। जब मुझे लगा कि मैंने अचीव कर लिया है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जा सकता हूँ, तब मैंने शादी की। लेकिन 1 साल के अंदर आपका डिवोर्स भी हो गया था, और डिवोर्स की वजह आपकी बीवी ने अदालत को बताया कि वो आपसे सेक्सुअली सैटिस्फाइड नहीं थी। उसे कोई बहाना बनाना था, वरना 2 महीने के अंदर मैं दूसरी शादी कैसे करता। और आपकी दूसरी बीवी ने भी आपको छोड़ दिया था? दूसरी बीवी को मैंने छोड़ा था। क्यों? वो कैरेक्टर की बहुत बुरी थी, उसने दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बना लिया था। और फिर आपने तीसरी शादी मिसेस सोनिया से की? जी। आपकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वकील साहब साबित क्या करना चाहती हैं? मेरे क्लाइंट मिसेस सोनिया राय पे रेप अटेम्प्ट हुआ है, वो माँ क्यों नहीं बनी, मिस्टर रॉय बाप क्यों नहीं बने, इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? योर ऑनर, इन बातों से अदालत को पता चलता है कि मिसेस सोनिया रॉय को मिस्टर रॉय से शादी करके पैसा और पोजीशन तो मिला, लेकिन वो फिजिकल लव नहीं मिला जो हर पत्नी अपने हस्बैंड से चाहती है। थैंक यू मिस्टर रॉय, अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेस सोनिया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिसेस सोनिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां हुई थी? I object, my lord. क्या ये सवाल 100 बार किए जाएंगे? मेरी क्लाइंट एक बार बता चुकी है कि वो राज... मैं जानती हूँ मिसेस सोनिया ये सवाल का जवाब दे चुकी है। हाँ तो? लेकिन सही जवाब अब देंगी। Objection overruled. Thank you, your honor. हाँ मिसेस सोनिया, तो आप सबसे पहले मिस्टर राज मल्होत्रा से कब और कहां मिली? जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राज से मेरी पहली मुलाकात कंपनी के एनुअल डे फंक्शन पर हुई थी। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर आपको छुपा रही है? मैं बताती हूँ, आपकी मुलाकात मिस्टर राज मल्होत्रा से 5 साल पहले साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। याद आया? हो सकता है, मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, एक कैजुअल मुलाकात हुई होगी। वो मुलाकात इतनी कैजुअल नहीं थी मिसेस सोनिया, जो मिले और बिछड़ गए। उस मुलाकात के बाद आप दोनों में अफेयर हो गया था, और इसके गवाह है केप टाउन के MTN मोबाइल के स्टाफ। उन्हें इस कोर्ट में इस बात की गवाही देने के लिए बुलाया भी जा सकता है। फाइन, दैट वाज जस्ट अ पासिंग अफेयर, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। कमाल है, आप एक पासिंग अफेयर में भी वो सब कर बैठी जिसे करने के लिए एक लड़की 100 बार सोचेगी। मैंने ऐसा किया क्या है मिसेस मल्होत्रा? उस पासिंग अफेयर में आप प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन भी करवाया। ये सब झूठ है, ये सब राज मुझे सिर्फ बदनाम करने के लिए करा। दिस इज रिडिकुलस। मेरे पास केप टाउन की उस नर्सिंग होम की रिपोर्ट है जहां आपने अबॉर्शन करवाया। योर ऑनर, ये रही मिसेस सोनिया के अबॉर्शन की रिपोर्ट। मिसेस सोनिया, अगर मिस्टर राज के साथ आपका पासिंग अफेयर था तो फिर वो बच्चा किसका था? बोलिए। एक औरत चाहे जितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसको इतना तो पता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है।
या तो फिर अब कितनी अफेयर्स रही होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। Shut up, you bitch! मिसेस सोनिया बिच वो होती है जिसको अपने बच्चे के बाप का पता नहीं होता, जैसे आपको पता मुझे नहीं है। पता है वो राज का बच्चा था। That's it. Point to be noted, Your Honor. जिस मिसेस राज पे मिसेस सोनिया रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा रही है उनके साथ महीनों सो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है और उनके बच्चे को भी गिरा चुकी है। मिसेस सोनिया, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपने मिसेस राज से शादी के लिए कहा होगा और उनके मना करने पर आपने अबॉर्शन करवा दिया होगा। मैंने राज से शादी के लिए कभी नहीं कहा था। क्यों? मैं कुछ बनना चाहती थी, मेरे कुछ एम्बिशन थे। पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। इनके एम्बिशन थे पैसा, पावर, लग्जरी, जिसके लिए इन्होंने मिस्टर राज के प्यार को ही नहीं ठुकराया, उनका बच्चा भी गिरा दिया और अपने एम्बिशन और पावर के लिए मिस्टर रॉय के पास जा पहुंची। उनसे इन्हें पैसा, पावर, लग्जरी तो मिला, लेकिन मिस्टर रॉय की पिछली दोनों बीवियों की तरह सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। लेकिन जब इन्होंने 20 जनवरी को मिस्टर राज को फंक्शन में देखा तब इन्हें अपनी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करने का एक रास्ता नजर आया। इन्हें लगा किसी नए मर्द से संबंध बनाने से अच्छा है पुराना संबंध जिंदा करना। इसके लिए इन्होंने राज को सीईओ के जगह डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया। सोचा कि इनके एहसान के नीचे दबकर मिस्टर राज वही करेंगे जो ये चाहेंगी। झूठ बोलकर मिस्टर राज को घर बुलाना, घर के सारे नौकरों को छुट्टी देना, सेक्सी ड्रेस पहन कर आना, इनका सेक्सुअल रिलेशन बनाने का प्लान था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अगर सोनिया जी का इरादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने का था तो मिस्टर राज की पीठ पर लगे वो नाखून के निशान वो क्या किसी बिल्ली ने बनाया? मिस्टर पटेल, जब एक औरत खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाती है तो वो कपड़ों के साथ उस मर्द का चेहरा, नाक और कान नोचती है। पीठ और सीने पर नाखून तब चूपते हैं जब एक औरत मर्द को सेक्सुअल प्लेजर के लिए अपनी तरफ खींचती है। मिलॉर्ड, ये वकील साहिबा साबित क्या करना चाहती हैं? जैसे आपने मिस्टर राज का कैरेक्टर कोड को बताया था वैसे ही मैं मिसेस सोनिया का कैरेक्टर कोड को बता रही हूँ। ये तो फिजूल की बात है मिलॉर्ड, अगर उनको यकीन है कि उनका क्लाइंट बेकसूर है तो अदालत को प्रूफ दें। मैं प्रूफ दूंगी योर ऑनर, और ऐसा प्रूफ दूंगी जिसे अदालत सुनते ही अपना फैसला सुना देगी। मैं मिस्टर राकेश शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मॉर्निंग सर। मिस्टर शर्मा, मिस्टर राज मल्होत्रा ने जो मोबाइल बनाई है उसमें ऐसी क्या डिफेक्ट थी जिसकी प्रोडक्शन रुकवाने के लिए मिस्टर राज मिसेस सोनिया के घर गए थे? ये एक बहुत ही अजीब किस्म का डिफेक्ट है कि अगर आप अपने हैंडसेट से कोई नंबर डायल करें तो फोन बुक में फीड किया हुआ कोई और नंबर अपने आप डायल हो जाता है, यानी कि उस फोन से एक साथ दो जगह नंबर लग जाते हैं। इस वक्त आपके पास वो हैंडसेट है? जी नहीं, इस डिफेक्ट का पता लगते ही मैंने अपना हैंडसेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में जमा करवा दिया था। अगर उस दिन आपके नंबर पे किसी ने फोन किया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वॉइसमेल में चला गया होगा। वो मैसेज कोई सुनना चाहे तो क्या करना होगा? इट्स वेरी सिंपल, आप किसी फोन से मेरा मोबाइल नंबर डायल कीजिए और स्टार दबाइए। एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस आपसे मेरा वॉइसमेल कोड पूछेगी और जैसे आप वो कोड पंच करेंगे तो आप मेरी कंपनी के मैसेजिंग सेंटर से मेरे मैसेजेस सुन सकते हैं। क्या ये आपका मोबाइल नंबर है? जी एग्जैक्टली। आपका कोड? 987। दिस इज वॉइस मोबाइल मैसेजिंग सेंटर। यू हैव मैसेज इन योर मेल बॉक्स। टू प्ले बैक प्रेस हैश। क्या कर रही हो तुम? कुछ नया तो नहीं कर रही ना? ये सब गलत है। अच्छा, अब तुम्हें सब गलत लगने लगा जिसके बिना तुम रह नहीं सकते थे? नहीं सोनिया, तुमने ठीक कहा था, मुझे कामयाबी तो मिल जाएगी मगर तुमसे दूर रहकर मैं हमेशा ही महसूस हुआ है कि मैं कितनी अकेली हूँ। नहीं सोनिया, सोनिया समझने की कोशिश करो। दूर चले गए थे मुझसे तुम, ये सब गलत है। नहीं सोनिया, नहीं सोनिया, कम उठ में Show me your animal, Raj. Show me your animal. I still love you so much. Raj, Raj, क्या हुआ Raj? Raj, नहीं सुनिए, जो कर रहे हैं वो गलत है। कुछ गलत नहीं Raj, come on. No, Raj, नहीं सुनिए, कुछ गलत नहीं है। मुझे जाना। तुम मुझे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते Raj. मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने कब कहा तुम अपनी बीवी को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखने को कह रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? Leave me alone. Raj, तुम मेरी इज्जत कर रहे हो। मैंने तुम्हें एक मामूली एग्जीक्यूटिव से कंपनी का डायरेक्टर इसलिए बनाया ताकि तुम मेरे साथ रह सको, मेरे पास रह सको, इसलिए कि तुम डिजर्व करते थे। योर ऑनर, 21 जनवरी को जब मिसेस सोनिया ने मिस्टर राज को पीछे से आकर पकड़ा उस वक्त मिस्टर राज मिस्टर राकेश शर्मा का नंबर डायल कर रहे थे।
और फोन उनके हाथ से गिर गया। जो कुछ भी वहां हुआ वो उस वॉइसमेल के मैसेजिंग सेंटर में रिकॉर्ड हो गया, और साथ साथ इस हैंडसेट की डिफेक्ट की वजह से बैंक मैनेजर मिस्टर कालरा की आंसरिंग मशीन में भी रिकॉर्ड हो गया, जिसकी कैसेट मिस्टर ट्रोट्रानी के एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई है। योर ऑनर, अभी अभी जो आवाज आपने इस अदालत में सुनी है वो उसी वॉइसमेल के मैसेजिंग सेंटर की है जिसमें मिसेस सोनिया एमडी हैं। इस पूरे रिकॉर्डिंग में नो, नहीं, गलत जैसे शब्द सिर्फ मिस्टर राज मल्होत्रा के मुंह से निकले हैं। योर ऑनर, हमेशा मर्द गलत नहीं होता, औरत भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा माइंडसेट है, अगर कोई मर्द किसी औरत को थप्पड़ मारता है तब हम कहते हैं कि बड़ा जालिम मर्द है, और अगर कोई औरत किसी मर्द को थप्पड़ मारती है तब भी हम कहते हैं कि जरूर मर्द ने कुछ बदतमीजी की होगी। हर हाल में हम मर्द को ही गलत समझते हैं। मैं ये नहीं कहती योर ऑनर कि हर औरत गलत है, लेकिन मिसेस सोनिया जैसी औरतें भी इस दुनिया में हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। योर ऑनर, मैं भी औरत हूं, लेकिन किसी मर्द के साथ औरत की ऐसी हरकत से मुझे एतराज है। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये बात अदालत में साबित हो चुकी है कि मिस्टर राज मल्होत्रा ने मिसेस सोनिया रॉय पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच हैं, और इसीलिए अदालत मिस्टर रॉय को ये हुक्म देती है कि मिस्टर राज मल्होत्रा को अपने ऑफिस में उनकी पोस्ट उनकी डिग्निटी के साथ वापस दें, और अगर मिस्टर राज मल्होत्रा अपनी मानहानि के लिए कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रिया जी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और आप मिस्टर मल्होत्रा, अदालत में हुए सवाल जवाब का आप प्लीज बुरा मत मानना, इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। रेप और सेक्सुअल असल्ट के 32 केसेस जीतने के बाद ये 33वां केस जानते हो मैं क्यों हारा? क्योंकि आपका बचाव कोई वकील नहीं, आपकी पत्नी कर रही थी। और विश्वास से भरी एक पत्नी जब अपने पति के साथ होती है तो यमराज से उसके प्राण तक वापस ले आती है। आप ठीक कह रहे हैं, यह तो मामूली कोर्ट कचहरी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारा प्यार है, हमारा बच्चा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे हस्बैंड हो। तुम दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जाना चाहती हो ना, जाओ, मगर एक बात याद रखना, जब तुम वहां से नीचे देखोगी तो तुम्हें कोई अपना नजर नहीं आएगा। Just remember my words. मैं इस वक्त वॉइस मोबाइल कॉर्पोरेट बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। यहाँ पर काफी भीड़ और दुख का माहौल है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा राज और सोनिया कॉन्ट्रोवर्शियल सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एक बार फिर एक दुखद घटना के साथ सुर्खियों में है। अदालत में हुई हार और अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद मिसेस सोनिया राय इस कदर हताश और निराश हुई कि लोगों के सामने आने की शायद उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी, और इसलिए उन्होंने इस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। उमेश कुमावत, स्टार न्यूज़।